सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सफर एंड सी इज रोजा। वेलकम टू अशमास किचन। तो आज हम बनाएंगे इडली का बैटर। इडली का बैटर बनाने के लिए हम लेंगे 4 गिलास चावल, 2 गिलास लेंगे हम उसना चावल और 2 गिलास लेंगे हम नॉर्मल चावल और 1 गिलास लेंगे हम उड़द की दाल और 1 टेबल स्पून लेंगे हम मेथी दाना। इन 4 गिलास चावलों को हम एक गंज में डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह धो लेंगे। ये चावलों को हमने धो लिया है, अब एक जग पानी डाल के हम इसे भीगने रख देंगे। ये दाल को भी हमने धो लिया है और इसे हम आधा जग पानी डाल के भीगने रख देंगे और इसी में हम मेथी दाना भी डाल देंगे और इसे हम 4 से 5 घंटे भीगने के लिए रख देंगे। 5 घंटे हो गए हैं और ये चावल अच्छी तरह भीग गए हैं, ये दाल भी अच्छी तरह भीग गई है। अब हम इसे पीस लेंगे। अब हम एक बेड ग्राइंडर लेंगे और उसमें हम ये चावलों को पीस लेंगे। अगर आपके पास बेड ग्राइंडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिक्सर में भी इसे अच्छी तरह पीस सकते हैं और थोड़े थोड़े करके हम चावलों को इसमें डालते जाएंगे और इसे पीस लेंगे। और थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे। ये चावल अच्छी तरह पिस गए हैं, अब हम इसे एक गंज में निकाल लेंगे। और इसी में अब हम ये दाल को भी पीस लेंगे। दाल को भी हम थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। ये दाल अच्छी तरह पिस गई है। इस दाल को भी अब हम जिसमें हमने चावल निकाले थे उसी में से इस दाल को भी हम निकाल लेंगे। ये दाल और चावल दोनों एक गंज में निकाल लिए हैं और इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच दही डाल दिया है। दही डाल के हम इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे और फेंट के इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे खमीर उठने के लिए रख देंगे। और जब इसमें खमीर अच्छी तरह उठ जाएगा फिर हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और फिर इसकी इडली बना लेंगे।